नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। कॉमेडी नाइट्स विद यूपी पुलिस। हमारा ये प्रोग्राम देखते हुए आप हंस सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें, ये हंसी दिल खोलकर हंसने वाली नहीं होगी, बल्कि ये आपको भीतर से कचोटने वाली हंसी होगी, क्योंकि हम यूपी पुलिस की बदहाली आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम उस पुलिस बल का आईना है जिस पर देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा है। उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, संवेदनशील भी है, लेकिन क्या यूपी की पुलिस सूबे की कानून व्यवस्था के हालात से निपटने के लिए फिट है? क्या पुलिस महकमे के कांस्टेबल से लेकर अफसरों को किसी आपात स्थिति में रेडी स्टडी गो कहा जा सकता है? शायद नहीं। हम क्यों ये बात कर रहे हैं, इसे किसी आंकड़े से आपको समझाएं, उससे पहले आप यूपी पुलिस की कुछ फिल्में देख लीजिए। ये फिल्में किसी कल्पना पर नहीं आधारित हैं, बल्कि एकदम रियल स्टोरी है, और इनकी फुटेज और संवाद भी एकदम असली है। फिल्म रियल है, गंभीर है, लेकिन कॉमेडी से भरपूर है। तारीख है 4 मई की, जगह है कन्नौज। कानपुर जोन के आईजी जकी अहमद अचानक वहां पहुंच गए। आईजी साहब को ना जाने क्या सूझा कि वो अपने मातहतों की फिटनेस और गन प्रैक्टिस का जायजा लेने लगे। फिर देखिए क्या हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ उसे? तो है क्या, पहले बताइए तो किसने इस्तेमाल होगी? 12 बड़ी गन चलेगी सर, चलाएंगे। 12 बड़ी गन चलाएंगे? हाँ, वो बम भाई चलाएंगे। क्या है, क्यों चलाइए भाई? आपके पास 12 200 क्यों चलाएंगे आप? नहीं, कहीं भीड़ हो रही हो तो भीड़ के लिए चलाएंगे। अच्छा, भीड़ के लिए तो चलाएंगे, क्यों भीड़ के लिए चलाएंगे? इसके छरे जाएंगे सर। छरे जाएंगे जी सर? कहाँ छरे, कहाँ छरे आएंगे? अगर टारगेट बनाएंगे आने के लिए तो कई जगह आगे पहले सर। कैसे करेंगे, पूरा काम करिए, पहले पूरा काम करिए। इस फिल्म को देखकर आपको यूपी के कन्नौज पुलिस के इस जनाब की काबिलियत का अंदाजा तो हो ही गया होगा। क्या लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क की पुलिस भी ऐसी ही होती होगी? बिल्कुल नहीं। हम यूरोप अमेरिका के पुलिस की तैयारियां दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप यूपी की पुलिस का कॉमेडी सीन देखते रहिए। कन्नौज की पुलिस की गन चलाने वाली प्रैक्टिस का हाल देखते रहिए। भाई, अपने ऐसे मानहतों पर कानपुर रेंज के आईजी साहब की खिज क्यों ना बढ़ेगी? एक बार कर चुके हैं सर इसको। अरे कर चुके हैं तो मैं क्या कोई नई चीज लेके आया हूँ? करके दिखाइए ना, भीड़ सामने आपके। आप सोच रहे होंगे कि क्या कन्नौज के सिर्फ एक पुलिस वाले का हाल ऐसा है जिसे ना तो असलहों को चलाना आता है और ना ही उनके बारे में कोई विशेष ज्ञान है। लेकिन कन्नौज के तिरवा इलाके के सीओ साहब का हाल भी देख लीजिए। पूरी बात बताइए, पहले पूरी बात बताइए। ये सर, जब भीड़ होगी तो इसमें से छले नहीं चलाए तो। कानपुर जोन के आईजी साहब आए तो थे कन्नौज पुलिस से बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर, लेकिन यहाँ तो पूरा पुलिस महकमा ऐसे है जैसे व्यवस्था में दीमक लगे हो। देखा कभी? क्या है, क्या है, तो क्या कहते हैं, किस काम आती है, क्या है ये? इसमें सर वो क्या है, तीन टुकड़े हो जाएंगे सर। भैया आप कमांडर हैं। सच में आईजी जकी अहमद बड़े धीरज वाले हैं, नहीं तो सोचिए कोई और बॉस इतने नकारेपन को कैसे बर्दाश्त कर पाता। खास तौर से ये रहता है कि जो नॉन लीथल गैर घातक हथियार हैं उसमें हमारे अधिकारी चाहे एसओ हों चाहे सीओज हों वो पूरी तरह से निपुण हों। जब तक कि वो निपुण नहीं होंगे तब तक उसका इस्तेमाल अपनी जगह पे नहीं हो पाएगा, उसी का पार्ट है
और हमारा बेसिकली उनको इसके लिए जागरूक करना और एक इंडिकेटर देना कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट। डीएसपी साहब ने और उनको लग करके उनको ट्रेनिंग कराएंगे। कन्नौज में कानपुर रेंज के आईजी जकी अहमद के औचक निरीक्षण में आगे भी कई ड्रामे हुए, लेकिन अब आपको यूपी की एक और पुलिस की फिल्म भी दिखाई देते हैं। तारीख है 6 नवंबर, जगह है बुलंदशहर। दंगा फसाद जैसे हालात पर नियंत्रण पाने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के पुलिस कप्तान पीयूष श्रीवास्तव खुद मौजूद थे। तामझाम पूरा था, बंदोबस्त जबरदस्त था, लेकिन बात जब हथियारों को चलाने की आई तो क्या हुआ खुद देखिए। सबसे पहले बुलंदशहर की शिकारपुर कोतवाली के कोतवाल शत्रुघ्न सिन्हा की गन ट्रेनिंग का हाल देखिए। कोतवाल साहब जोर लगाते रहे लेकिन टियर गन का घोड़ा तक नहीं दबा सके। सोचिए अपराधियों आतंकियों का शिकार कैसे करेंगे शिकारपुर के कोतवाल साहब। जहांगीराबाद कोतवाली के कोतवाल प्रभात कुमार का हाल भी वही था। प्रभात कुमार ने भी टियर गन को खूब ऊपर नीचे किया लेकिन टियर गन से फायर नहीं हो सका। शिकारपुर के सीओ साहब का भी हाल वही था जो कोतवाल का था, उनसे भी टियर गन नहीं चली। सीओ साहब की मदद करने आए इंस्पेक्टर भी कुछ कर नहीं पाए। आखिर में बुलंदशहर के एसपी पीयूष श्रीवास्तव ने भी अपने हाथ में राइफल उठाई। निशाना कहां लगाना है, कैसे लगाना है, इसे लेकर ही थोड़ी देर तक असमंजस बना रहा। साहब की बंदूक चलाने में मदद करने के लिए कांस्टेबल ऐसे जुटा रहा जैसे बंदूक ना हो गई कोई अजूबा हो। हालांकि आखिर में बुलंदशहर के एसपी की किस्मत बुलंद थी, उनसे बंदूक चल ही गई। बंदूक से फायर हुआ तो मानो कोई ट्रॉफी जीत ली गई। बंदूक तो बंदूक, जब आंसू गैस के गोले छोड़ने की बारी आई तो भी एसपी पीयूष श्रीवास्तव के साथ एक लोचा हो गया। आंसू गैस का गोला दागने के पहले उसके पिन निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ गई। गनीमत है एसपी साहब ये तो समझते हैं कि बैटलफील्ड में प्लास कहां मिलेगा, लेकिन जब जी न्यूज ने एसपी साहब से उनकी अनप्रोफेशनल पुलिस को लेकर सवाल किया तो उनका जवाब कम अनप्रोफेशनल नहीं था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये कहना गलत है, किसी टीवी चैनल ने चलाया है, ऐसा कैसे होगा कि अधिकारी को बंदूक चलाना है। सर वही तो हम भी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी अधिकारी को बंदूक चलाना ना है, लेकिन विजुअल्स इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। मीडिया में आपस में काफी गुर्बाजी चल रही है, तो कुछ चैनल वालों में आपस में झगड़े चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नोट करना जो है एक टफ प्रक्रिया होती है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, बच्चों की बंदूक है, एक सेकंड में आप लोड कर लेंगे। यूं तो ये यूपी पुलिस की कॉमेडी है लेकिन बात है बहुत गंभीर। भारत में ना तो अपराध का ग्राफ कम है ना आतंक की चुनौती, लेकिन देश के सबसे महत्वपूर्ण सियासी सूबे की पुलिस का जब ये हाल है तो वो दुनिया की पुलिस की तरह अपराध और आतंक से कैसे मुकाबला करेगी, ये सोचने की बात है। बुलंदशहर से अमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।